हिप्पी समेत शिखर जी पारसनाथ की सुंदर पहाड़ियों पर जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। तो आज हम आपको पैदल यात्रा कर यहाँ के दर्शन कराने ले चलते हैं। पहाड़ों पर हमें अनेकों अनेक जड़ी बूटियों के पेड़ मिले। पारसनाथ वह जगह है जहाँ 24 तीर्थंकरों में से 23 ने मोक्ष प्राप्त किया। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनके बाद इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। भोमिया जी के दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है यहाँ, और ये पत्थर खुदाई के बाद मिले हैं जिनसे फिर से मंदिर बनाया जाएगा। यात्री गण थक जाते हैं तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ कई प्रकार के जैन यंत्र भंडार है जहाँ कई यंत्र मिलते हैं। जड़ी बूटियों की दुकानें भी हैं। खुदाई के मिले अवशेषों से यहाँ अलौकिक मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ के तीर्थ यात्रियों से कुछ बातें करते हैं। तो आप यहाँ घूमने आए हैं तीर्थ स्थल में? मैं यहाँ पे कोरोना जांच करने आया हूँ। मैं मरीजों को कोरोना की तरफ प्रेरित करता हूँ। ओह वाह, वेरी एक्साइटिंग। एक बार अगर उसे कोरोना हो जाएगा तो फिर जिंदगी भर वो कोरोना मुक्त हो जाएगा। वाह वाह वाह, अरे रुकिए, आपसे तो और बातें करनी। ये देखिए, रांची से आया एक परिवार कितनी सहृदयता और अच्छे मन से सभी गरीबों में ऊनी मोजे और दस्ताने बांट रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अनेकों अनेक मंदिर स्थित है। ये सबसे पुराने मंदिर की झांकी। यह मंदिर का जो मकराना है, कहा जाता है कि हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है और आज भी चांदी की तरह चमकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे अरे, ये क्या है, यहाँ तो कई बच्चे खेल रहे हैं। किससे? बंदरों से। अरे यहाँ तो बंदरों की फौज इकट्ठा हो गई है। वाह, अरे बच्चों देखो, वो बंदर भूखा रह गया, उसे भी खाना दे दो। क्या नजारा है, ऐसा शहरों में देखने को कहाँ मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। मिल गए। नमस्ते। आप अभी तक सबको कोरोना ही फैला रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कोरोना की टेस्टिंग की, अभी तक 4 लोग पॉजिटिव आए। मैंने उनको बोला कि और लोगों में फैलाए ताकि इंसानों का जान बचे। धन्यवाद। ये देखिए पहाड़ी के बाबा जी जो रोजाना डोली ले जाते हैं ऊपर पहाड़ों के मंदिरों में, और वह भी दिन में 2 बार। 90 साल की उम्र में बाबा जी, आप थकते नहीं है क्या? बटुआ, हम तो भगवान के सहारे जीवित है। भूमिया बाबा शक्ति देता है। आप सब कहाँ से आ रही हैं? ओह आप लंदन। लंदन? आप लंदन, जर्मनी से लंदन हो गया? कैसे? झारखंड से आ रही है। अच्छा, तो इसमें हंसने की क्या बात है मैम? झारखंड तो बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ। ये तो लंदन, जर्मनी से लंदन शिफ्ट हो गई, इतना जल्दी जल्दी कंट्रीज बदलती रहती है। तो कहाँ कैसा लगा आपको यहाँ? घूमने का बहुत शौक है। बहुत शौक है, अच्छा है। लाइफ में मौज मस्ती करती हूँ, घूमना चाहिए। ये तो तीर्थ स्थल है, आशा करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो यहाँ आकर। शिखर जी में स्थित ये जल मंदिर, कहा जाता है यहाँ मनोकामना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बार बार यात्रा करते करते मुझे रांची से आई एक फैमिली मिल जा रही हैं, जो लोग काफी धार्मिक और संस्कारी हैं। बहुत फेमस है आप, बहुत पसंद है आप। यहाँ कैसे? हम यहाँ तीर्थ करने। ओह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम, थैंक्स। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पहाड़ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। ओ, कल ये दर्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा था। यह रांची का परिवार मुझे अपने आप में अनूठा लग रहा है, जो मिल बांट कर खुशियों का अनुभव कर रहा है। अब काफी रात हो गई है और मंदिर में अब भजन चल रहा है। भजन के साथ साथ ही यहाँ श्रावक गण बोलियां लगाते हैं कि कौन सबसे पहले भूमिया महाराज की आरती करेगा, और यहाँ बोलियां हजारों लाखों तक पहुँच जाती है। मैंने देखा कि रांची से आए परिवार ने सबसे ऊंची बोली लगाई एवं सभी ने रक्षा धागा पहना और पंडित जी को प्रणाम भी किया, और उन्हें आशीर्वाद देते हुए पंडित जी बहुत खुश नजर आए। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से यदि कुछ मांगा जाए तो वह अवश्य ही पूर्ण होता है, और मैं ये मांगती हूँ कि अगला साल कोरोना मुक्त हो और अति उत्तम हो।